क्योंकि जो मैं पेस्ट स्पेशल करूंगी गाइस, उस पेस्ट स्पेशल में देखिए गाइस, यहाँ पे सारे टाइप लिखे हैं मैंने, ये सारे टाइप बताना है आज पेस्ट स्पेशल में। आज का टॉपिक हमारा पेस्ट पर ही डिपेंड, पेस्ट पर ही है, तो ये सारी चीजें आज के क्लास में हम कवर करेंगे गाइस। देखिए गाइस, ये सारे कमांड्स हैं, ये सारी आज हम पेस्ट में यूज करेंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पेस्ट कमांड। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे मेरा डेटा है, जो मेरा मेन सोर्स डेटा है, इस सोर्स डेटा को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ गाइस। अब सिलेक्ट करके इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर रही हूँ गाइस। देखिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कुछ कलर फॉर्मेटिंग कर दी, लाइक मैंने ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कर दिया, और इसमें फिल कलर में, फोन कलर में रेड कलर कर दिया। ओके गाइस, ये फॉर्मेटिंग है। इसमें मैंने बॉर्डर भी यूज कर दिया। चलिए गाइस, ये बॉर्डर भी हो गया। यहाँ पे हमने कुछ कमेंट्स भी लगा दिए गाइस। राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे कमेंट्स आता है गाइस, ये कमेंट्स लगा दिए। कुछ भी लिख सकते हैं आप कमेंट्स में गाइस। ये देखिए, ये कमेंट्स का आगे यूज आएगा, तो मैं आगे यूज बता दूंगी। फिलहाल ये यहाँ पे हम कमेंट्स का यूज जो कर रहे हैं गाइस, वो रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। अगर आपने कुछ भी काम कर रखा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है आप चाहते हैं फर्दर आगे आप किसी से यूज करना चाहते हैं, या फिर रिमाइंडर के लिए रखना चाहते हैं, तो आप इधर कमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर क्या आपने कुछ काम आज कर दिया, आपको याद नहीं है कि वो आप कैसे यूज करेंगे, तो हम कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, ये कमेंट्स हैं। अभी मैं हाइड कमेंट्स कर रही हूँ, तो ये कमेंट्स हाइड हो गए। ओके, ये देखिए गाइज, अगर आप एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा, हम पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करके गाइज ये कमेंट्स को हम हाइड कर रहे हैं। ओके, तो राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कमेंट्स ऑप्शन होता है, आप इधर से हाइड कमेंट्स कर दीजिए। ये डिलीट में तो पूरे डिलीट हो जाएंगे गाइस, हाइड नहीं आ रहा है, आप इंडिविजुअल कर लीजिए गाइस। ये राइट क्लिक किया और हाइड कमेंट्स। ओके, ये सारे कमेंट्स तो गए हाइड। जिस सेल में भी कमेंट्स होता है गाइस, ये यहाँ पे देखिए राइट साइड अपर कॉर्नर पे छोटा सा एक रेड कलर का साइन होता है, ये कमेंट्स को इंडिकेट करता है, तो ये कमेंट्स है। यहाँ पे भी देखिए गाइस, और यहाँ भी देखिए, तो यानी कि अभी जो मैंने काम किया, उस काम में क्या है, मेरे पास कंटेंट है, फॉर्मेटिंग है, कमेंट्स है। और गाइज, हम इधर कुछ टोटल निकाल रहे हैं, टोटल निकाल दिया, टोटल के ऑल्ट इक्वल लगा दीजिए गाइज, ये टोटल आ गया, और इसको ड्रैग कर दीजिए, ये फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा गाइज। कॉपी करने के लिए लास्ट में प्लस का साइन आ रहा है, कर्सर लेके जाएंगे तो, और इसे डाउन कर दीजिए। अब देखिए, इसका टोटल निकल गया। That means, अब मेरे पास जो डेटा है उसमें मेरे पास कंटेंट भी है, फॉर्मेटिंग भी है, कमेंट्स भी हैं, और फॉर्मूला भी है। और इस पे अभी हम गाइज एक चीज और लगाएंगे, वैलिडेशन गाइज। वैलिडेशन क्या होता है गाइज, जैसे कि हम इस सेल में हैं, आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है गाइज, कुछ भी टाइप हो जाएगा। ओके, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लगा दूं, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप हो। चलिए गाइस, मैं वैलिडेशन बाद में बताऊंगी गाइस, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैं वैलिडेशन बाद में कराऊंगी, अब मैं ये सारी चीजें कराती हूँ। ओके गाइस, देखिए, अगर आप ऑल कमांड्स करते हैं, लाइक अगर मेरे को ये डेटा कॉपी करना है, कॉपी का मीन्स होता है जो आपका सोर्स डेटा है, ये सोर्स स्पेस पर भी रहेगा, और आप किसी डेस्टिनेशन पर भी ले जा सकते हैं इसे, तो इसे सिलेक्शन करेंगे और कॉपी कर देंगे गाइज। ये कॉपी हो गया, अब आप कर्सर रखिए, आपको कहाँ पे इसे पेस्ट करना है, तो कर्सर रखा गाइज और इसे पेस्ट कर दीजिए। ये नॉर्मल पेस्ट हो गया, ऑल पेस्ट। ऑल पेस्ट का मीन्स है, जैसा वर्क आपका यहाँ पे हुआ है, कलर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूलाज है, कमेंट्स है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपने जो काम यहाँ किया है, एज अ टीज कॉपी होगा और सेकेंड प्लेस पे यूज हो जाएगा, जो कि आपने स्पेस इसे दिया है उस प्लेस पर। ओके, चलिए गाइज, देन नेक्स्ट है इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ और अलग अलग चीजें हैं। ये तो हो गया ऑल के अकॉर्डिंग, कि हमारा ऑल डेटा आ गया। ओके, अब यहाँ पे गाइस हमने इसमें देखिए गाइस, अब इसके बाद हमने इसे सिलेक्शन किया। अब मैं गाइस यहाँ पे अगर कॉपी करते हैं, मैंने ये डेटा कॉपी किया, अब मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूला है गाइस, ये जस्ट फॉर्मूला कॉपी करना है। फॉर्मूले का मतलब होता है गाइस, कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट में जाएंगे, ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे गए और इधर आके इसने फॉर्मूला ले लिया कि मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है गाइस, तो ये फॉर्मूला ले लिया। ये देखिए गाइस, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, कुछ नहीं आया, नॉर्मल डेटा आया है आपका, और इसके साथ इसकी
फॉर्मेट फॉर्मूला भी आया है। ये रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, मैंने डेटा यहाँ से कॉपी किया था, इस जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जो रेफरेंस चल रहा है B2 कॉलन F2 और इस फॉर्मूले के अंदर जो रेफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है L3 कॉमन P3। ओके L3 कॉलन P3 यानी कि डेटा के अकॉर्डिंग, सोर्स डेटा के अकॉर्डिंग इसने डेस्टिनेशन पर जो हम लेके गए थे डेस्टिनेशन पर, उस डेस्टिनेशन पर इसने क्या करा, रेफरेंस को भी चेंज कर दिया। तो फॉर्मूला कॉपी करने का यही बेनिफिट होता है गाइस कि फॉर्मूला अपने आप इसको डेस्टिनेशन पे रेफरेंस चेंज कर लेता है, प्रीवियस रेफरेंस को यूज नहीं करता। ओके गाइस नेक्स्ट है इसमें, हाँ ये हमने कॉपी कर रखा है गाइस, मैं इसे पेस्ट दोबारा कर सकती हूँ। देखिए जब तक ये डॉट डॉट आ रहा है ना गाइस तब तक मेरा डेटा क्लिपबोर्ड के अंदर है। जब भी हम एक बार डेटा कॉपी कर लेते हैं और ये एडिटिंग के लिए जब तक हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, जब तक ये देखिए डॉट डॉट पॉइंट आ रहे ना डॉट डॉट पॉइंट, अगर ये डॉट डॉट पॉइंट हट गए गाइस तो आप डेटा नहीं पेस्ट करेंगे, फिर आपको दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ओके हम दोबारा पेस्ट स्पेशल में गए गाइस। अब मैंने यहाँ पे क्या गाइस वैल्यू यूज की, वैल्यू वैल्यू का मतलब है गाइस कि मेरा फॉर्मूला तो आएगा लेकिन फॉर्मूले के साथ क्या होगा गाइस, यहाँ पे उसकी जस्ट वैल्यू आएगी। बस वैल्यू का मीन्स है कि यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला नहीं दिखा रहा। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने ऑल कॉपी किया था तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला शो हो रहा है गाइस, देखिए फॉर्मूला आ रहा है ना, बट जब मैंने यहाँ पे इसको यूज किया जस्ट अ वैल्यू, तो जस्ट वो वैल्यू आ रही है उसके पीछे का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ। देखिए तो ये वैल्यू के अंदर ये डिफरेंस होता है कि आप जो वैल्यू उठाते हैं उसमें जस्ट वैल्यू वैल्यू लेता है, फॉर्मूला वगैरह अगर कुछ है तो वो नहीं लेगा। ओके तो गाइस देखिए मैंने बताया था कि जब तक हम इसे कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि यहाँ पर एडिटिंग के लिए डेटा नहीं आ रहा हमारा, डॉट डॉट आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से सिलेक्शन हट गया है मेरा, तो यहाँ पे पेस्ट कमांड भी देखिए ब्लर हो गई, अब शो नहीं हो रही है पेस्ट कमांड। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पेस्ट कमांड दोबारा यूज करनी है या पेस्ट करना है दोबारा, तो मुझे इधर अगेन कॉपी करना पड़ेगा गाइस इसे सिलेक्शन करके। तो हमने इसे सिलेक्शन कर लिया अगेन और इसे कॉपी कर लिया। ओके यहाँ पे कर्सर रखेंगे, अब इसमें क्या करना है गाइस, इसे पेस्ट करना है अगेन। हम वापस इधर जा रहे हैं पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, और आप देखिए गाइस यहाँ पे अब यहाँ पे गाइस फॉर्मेट है। ओके कि अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, तो हमने इसे क्लिक कर दिया और फॉर्मेट को पेस्ट कर लिया गाइस। ये देखिए इधर जस्ट अ फॉर्मेट आएगा, कोई डेटा नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, जस्ट फॉर्मेट आ रहा है कि उधर जो फॉर्मेट बना हुआ था जस्ट वैसे ही फॉर्मेट आ गया। देखिए बॉर्डर आ रहा है, कलर आ रहा है, आप टाइप करेंगे तो इसमें टेक्स्ट का जो कलर रेड ही होगा जो कि वहां पर यूज किया हुआ है। ओके गाइस तो जस्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए है ये, कि आपको सिर्फ कुछ निकालनी चाहिए, जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे यूज किया सेम फॉर्मेट आपको इधर यूज करना है, तो हम इसका फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं गाइस। देखिए अब ये मेरा फिर पेज से सिलेक्शन हट गया है, तो मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। जैसे ही हम एडिटिंग के लिए कर्सर यूज कर देते हैं सेल के अंदर, हमारी जो कॉपी कमांड होती है वो हट जाती है, हमें दोबारा कॉपी करना पड़ता है। फिर देन अगेन कॉपी कर लिया, अब मैंने कर्सर रखा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम। देखिए गाइस यहाँ से हमारा क्या क्या हो गया, ऑल हो गया, फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गया और फॉर्मेट्स हो गया। ओके अब यहाँ पे है गाइस कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती है, जो देखिए गाइस यहाँ पे रेड रेड पॉइंट के कुछ शो हो रहे हैं ना, अभी मैंने लगाए थे कमेंट्स, ये कमेंट्स है। मैंने क्या सारी चीजें नहीं करनी मुझे कॉपी, जस्ट फॉर उस एरिया में जितने कमेंट्स है ना वो कमेंट पेस्ट करने हैं मुझे। तो हम इधर पेस्ट स्पेशल में ही जाएंगे गाइस और यहाँ से कमेंट्स ले लेंगे। देखिए कमेंट्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारे क्या आ गए, कमेंट्स यूज हो गए। सी गाइस ये देखिए कमेंट्स आ गए, जो कमेंट्स वहां पे चल रहे थे सेम उसी स्पेस पे वही कमेंट्स यहाँ पे आ गए। अगर आपने कहीं भी कोई कमेंट्स लगा रखे और आप चाहते हैं कि मुझे ये कमेंट्स यूज करने हैं, तो हम इसे जस्ट कमेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट हो गए गाइस। ओके अब गाइस देखिए हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, अभी आपका जो डेटा है गाइस वो कैसा आ रहा है कि रो में तो आपके क्या है, नेम है और कॉलम्स में आपके सब्जेक्ट है। ये ना डेटा आपका रो में नेम है सारे और कॉलम्स में सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट पेस्ट होता है गाइस में ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ट्रांसपोज होता है। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं गाइस, जैसे आपकी हेडिंग्स है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है, देखिए अपोजिट हो जाएंगी, रो कॉलम में पहुंच जाएंगी, कॉलम रोज में आ जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ पर ये ऑप्शन है ट्रांसपोज का,
क्लिक करिए गाइज और इसे ओके कर दीजिए। देखिए आपका डेटा ट्रांसपोज हो गया। जो यहाँ पे कॉलम्स थे गाइज, यहाँ पे देखिए कॉलम्स में आपके क्या आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहे हैं और रो में आपके क्या आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं। ओके, अब जो मैंने ट्रांसपोज किया है गाइज, इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे कॉलम में आप क्या आ गए, आपके नेम आ गए और रो में क्या आ गए, आपके सब्जेक्ट्स आ गए। तो हम इस टाइप से अपना डेटा ट्रांसपोज कर सकते हैं। ओके गाइज, अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, अगला कुछ कॉम पेस्ट है उसे हम यूज कर रहे हैं गाइज। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। देखो गाइज, हमने जैसे कि यहाँ पर हमने डेटा लिखा कि मैंने इधर जो यूज कर रही हूँ, यहाँ पर हमने कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है डेटा, ये रहा यहाँ पे लिखते हैं गाइज, ये देखिए इसी के नीचे जस्ट लिख रहे हैं। और तो यहाँ पे मैंने 2 ओके 3 4 5 6 ये लिख दिया गाइज। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा डेटा है गाइज, ये वाला ठीक है ना, ये जो मैंने अभी ऐड किया है, ये डेटा मेरा इस डेटा के साथ प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवीजन हो जाए, एज इज जो भी आप वर्क करना चाहते हैं वैसा वर्क हो जाए। तो हम पहले क्या करेंगे गाइज, इस डेटा को कर लेंगे कॉपी। ओके, तो हमने इसे कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब इसे अपने सोर्स डेटा से डेस्टिनेशन वाले डेटा को सिलेक्ट करिए गाइज, इस टाइप से इसे मैंने कॉपी किया है गाइज और इसे कर दिया फिर हमने गाइज, इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो हमने इसे कॉपी कर लिया, तो ये कॉपी हो गया गाइज। और फिर इधर सिलेक्शन कर लीजिए, तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको सिलेक्शन। ओके गाइज, अब इसे लिए आप इसके लिए जाइए आप इसमें पेस्ट पे जाइए गाइज, और पेस्ट पे जाकर आप इसे करिए, क्या करना चाहते हैं आप ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए। देखिए गाइज ऊपर डेटा देखिए 36 है, ठीक है 52 है, अगेन 52, अगेन 36। अब मैं ये डेटा इसके साथ पेस्ट करने जा ऐड करने जा रही हूँ गाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, अगेन 54, अगेन 38, और यहाँ पे और ऐड हो जाएगा इसमें, सॉरी गाइज, इसमें 4 और ये सारी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। ओके, तो हमने इसमें क्या करा, ऐड कर दिया और ऐड करके ओके कर दिया गाइज। ये देखिए ये सारी वैल्यू इधर ऐड हो गई, इधर 36 था, यहाँ पे क्या हो गया आपका गाइज 38 हो गया, यहाँ पे 52 था, 3 ऐड हो गया, यहाँ पे 55 हो गया। तो इस टाइप से हम कोई वैल्यू इधर ऐड भी कर सकते हैं, कि अगर मैं कहीं से कोई वैल्यू कॉपी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे प्रीवियस डेटा के साथ कुछ ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवीजन हो जाए, तो वो भी हो जाएगी गाइज। अब ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने जैसे कि ये वैल्यू है, अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने क्या, अब ये जो वैल्यू है इस डेटा के साथ मेरी मल्टीप्लाई हो जाए या माइनस हो जाए। ओके गाइज, तो हम इसे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो इधर मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा गाइज, माइनस हो गया। देखिए गाइज सेम आ गई ना वैल्यू, यही वैल्यू इधर से क्या हो गई, माइनस हो गई, क्योंकि मेरी क्या है अभी वर्क कर रही है वैल्यू। ओके, बिकॉज ऑफ इस पे ये डॉट डॉट शो हो रहे हैं, तो ये मेरी अभी कॉपी की हुई है वैल्यू, अब मैं इसके साथ पेस्ट यूज कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है गाइज यहाँ पर पेस्ट ब्लैंक। ओके, यहाँ पे स्किप ब्लैंक में है, स्किप ब्लैंक में क्या होता है गाइज, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा कॉपी करके पहले रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा हटा दूँ, ओके मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से ये वैल्यू डिलीट कर दी, ओके और यहाँ से ये वैल्यू डिलीट कर दी, यहाँ से कुछ और वैल्यू डिलीट कर दी मैंने गाइज, ये वाली वैल्यू डिलीट कर दी, यहाँ से ये वाली वैल्यू डिलीट कर दी। ओके, अब मैं चाहती हूँ ये जो मैं कॉपी कर रही हूँ डेटा, ये सिर्फ मेरा क्या आ जाए कि जो डेट सेल मेरे ब्लैंक है उसी सेल में मेरा पेस्ट हो जाए डेटा। ओके गाइस, ये देखिए ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास डेटा भी है नहीं, तो हमने क्या करा, इतना डेटा कॉपी कर लिया जस्ट जो किया तक है और इसे कॉपी कर लिया। ओके गाइस, यहाँ पे मैं इसे कर्सर रखूंगी, मैं चाहती हूँ मेरा जो डेटा है वो सिर्फ ब्लैंक सेल में ही फिल हो। ओके, एक्स्ट्रा सेल में ना आए, ब्लैंक सेल में ही फिल हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, और स्किप ब्लैंक कर देंगे गाइस, तो ये सिर्फ मेरा ब्लैंक सेल ही कवर होंगे और एक्स्ट्रा सेल में मेरा डेटा यूज
नहीं होता है। तो ये इस टाइप से हम इस पे ये ओवरराइट का काम करता है गाइस, कि जैसा हमारा डेटा ओवरराइट होता है ना, तो उसी टाइप से ये डेटा को ओवरराइट कर देता है। तो जो ब्लैंक सेल होते हैं इनको स्किप मार देगा, बाकी डेटा आपका पेस्ट कर देगा। ओके गाइस, ओके देन नेक्स्ट इसके अंदर गाइस एक फॉर्मूला रह गया है, इसमें वैलिडेशन। वैलिडेशन का मींस क्या होता है गाइस? वैलिडेशन का मींस, अभी मैंने स्टार्टअप जब किया था तो मैंने आपको कुछ बताया था गाइस कि यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी कुछ भी वैल्यू मेरी ऐड हो रही है, कुछ भी मैं ऐड कर सकती हूँ, टैक्स लिखूँ या फिर नंबर लिखूँ, समथिंग एल्स कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखूँ, सब यूज हो जाएगी। ओके, मैं चाहती हूँ जो मैंने कुछ वैलिडेशन यहाँ पे लगा रखी है, मैं इधर वैलिडेशन लगा रही हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया गाइस, ओके, मैं इधर वैलिडेशन लगा रही हूँ। तो डेटा में जाएंगे गाइस और यहाँ पे जाकर देखिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस होता है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन चाहिए, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आके गाइस आप यहाँ पे कोई सी भी वैलिडेशन लगा दीजिए। वैलिडेशन का मीन्स होता है गाइस रिस्ट्रिक्शंस, आप अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मेरा डेटा कोई भी यूज ना करे, या यूज हो भी मेरा डेटा तो कुछ लिमिटेशन तक यूज हो। ओके, तो हमने यहाँ पे इधर वैलिडेशन लगाई, होल वैल्यू, एनी नंबर, डेसिमल नंबर, लिस्ट, ये बहुत सारी चीजें गाइस ये हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ वैलिडेशन का छोटा सा पार्ट आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। गाइस देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो एनी वैल्यू है या होल नंबर है, मैं चाहती हूँ होल नंबर पे मेरे वैलिडेशन लग जाए। ओके, यहाँ पे इसका टाइप, डेटा टाइप है कि आप डेटा टाइप क्या लगाना चाहते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, समथिंग एल्स। मैंने क्या इसमें मुझे बिटवीन कंडीशन लगानी है। मिनिमम वैल्यू, मैंने क्या 50, मिनिमम 50, दैट मीन्स ये जो मेरे सिलेक्टेड सेल है इसमें मिनिमम 50 वैल्यू रहेगी, 50 से डाउन आप कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू हमने कर दिया 90, यानी कि 90 से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, 50 और 90 के बीच में जो वैल्यू है सिर्फ वही वैल्यू मेरी इन दोनों सेल, ये सिलेक्टेड सेल में यूज होगी, इसके अलावा आप कोई और वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके कर दिया। अब देखो गाइस यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मैंने 50 रख दी ना मिनिमम, मैंने 45 लिखा, देखिए एरर आ गया, दैट मींस यहाँ पे वैलिडेशन लग गई है मेरी। ओके, अगर मैं 90 से ज्यादा लिखूंगी तब भी नहीं ऐड करेगा, क्योंकि ये मेरी क्या नाम है, कंडीशंस के बियॉन्ड वैल्यू है। अगर आप अपनी कंडीशंस के बिटवीन वैल्यू रखेंगे तो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए गाइस डेटा एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो चलिए गाइस हम यही कर रहे हैं। हम मैंने कहा यहाँ पे इस एरिया पे जो मेरे वैलिडेशन है, इतना एरिया सेलेक्ट किया था मैंने, इस एरिया पे जो मेरे वैलिडेशन है वही वैलिडेशन मुझे कहीं और भी यूज करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा दोबारा काम करना पड़े, अगेन सेकंड डेटा मैं सिलेक्ट करूँ, अगेन मैं सारे वैलिडेशन लगाऊं। तो मुझे पता है मेरा वैलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ यही वैलिडेशन मेरा किसी दूसरे प्लेस पर भी यूज हो जाए। तो सेम एज है गाइस, आप होम में जाइए और कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, आफ्टर दैट आप इसे कर्सर रखिए, आप कहाँ पे ये वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, यानी कि इस एरिया में मुझे ये वैलिडेशन लगाना है, इस एरिया। ओके गाइस, और फिर इधर जाकर पेस्ट पे जाइए, पेस्ट स्पेशल के अंदर, और यहाँ पर आइए और इसे वैलिडेशन पे कर दीजिए क्लिक, और ओके कर दीजिए। देखिए गाइस वैलिडेशन लग गई है। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अपनी जो वैल्यू डाली थी मैंने उसको यूज करूंगी, नहीं देगा इसे, क्योंकि मेरी वैलिडेशन यहाँ पर वर्क कर गई है। अब यहाँ पे मैं जब कम करूंगी वैल्यू तो भी नहीं लेगा। ओके गाइस, अब हम चाहते हैं कि इसे अपने उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग करें, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज ओवर कर सकते हो आप वैलिडेशन के, वो कर देगा, अदरवाइज जो वैलिडेशन हमारी यहाँ चल रही थी सेम वो यहाँ चल गई, उसी वैलिडेशन को ये यहाँ पे वर्क कराएगा। ओके, ये वैलिडेशन होती है गाइस, हम इस टाइप से वैलिडेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था पेस्ट स्पेशल, ये सारे टाइप्स थे पेस्ट स्पेशल के, वो सब यूज हो जाते हैं। गाइस पेस्ट स्पेशल में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, हम इसकी पर्टिकुलर हाइट भी कॉपी कर सकते हैं, पर्टिकुलर विड्थ ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे कि अब यहाँ पे मेरा डेटा थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी, और इधर कर्सर रख रहे हैं हम इस तरफ, सर सपोज मैं यहीं पे ले लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे जाइए गाइस, देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें देखिए गाइस ये सारा है, फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे सोर्स डेटा फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग है जो गाइस ये कलर वगैरह चेंज किए ना, इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं।
ट्रांसपोज है, ये मैं बता चुकी, नंबर डेटा चेंज हो जाता है। ये देखिए गाइस कॉलम की विड्थ है, कि आप इसे कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ भी विड्थ यूज होगी कि कितनी इसकी विड्थ है। विड्थ आपकी ज्यादा है तो जितनी विड्थ आप कॉपी कर रहे हैं सेम उतनी ही विड्थ इसकी यूज हो जाएगी, अगर आप कम विड्थ है तो आप इसमें कम भी हो जाएगी। तो जैसी विड्थ होगी वैसा ही डेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। चीज में मैं उधर बता चुकी हूँ गाइस, वैल्यू भी बता चुकी हूँ और यहाँ पे वैल्यू नंबर फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ये गाइस ये फॉर्मेटिंग जो होती है, ये कलर वगैरह चेंज करना, इसकी जो साइज होता है ये वही फॉर्मेटिंग होती है। अदर्स डेटा में यहाँ पर ये भी हो गया है गाइस, जस्ट फॉर्मेटिंग जो इसकी कलर वगैरह है वही आएगी। आप यहाँ पे पेस्ट लिंक, हाँ गाइस मेन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर है पेस्ट लिंक। गाइस पेस्ट लिंक बहुत अच्छी चीज है आपको डेटा को यूज करने के लिए, मैं अभी बता रही हूँ। और एक है गाइस इसमें पिक्चर, देखिए गाइस अगर हम पिक्चर करते हैं तो पिक्चर में क्या होता है कि जो आपका डेटा है गाइस वो एज अ पिक्चर बन जाता है। अभी यहाँ पे देखिए ये चेंजेबल है डेटा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इधर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने डेटा पेस्ट किया वो चेंजेबल है, ओके। बट यहाँ पे जो डेटा है आपका गाइस ये इमेज बन गया, जैसे आपकी इमेज होती है ये नो चेंजेबल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप इस डेटा को इमेज की तरह काम करवा सकते हैं, देखिए छोटा बड़ा कर लिया, ठीक है ना। इसके जो प्रेशर पॉइंट है, इससे प्रेशर पॉइंट्स को क्लिक करके आप डेटा का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे इनहेंस करना है आपको डेटा वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये इमेज बनाने के लिए होता है डेटा, कि हमारी ये इमेज बन गई। अब गाइस इसमें एक ऑप्शन था पेस्ट लिंक, ओके। पेस्ट लिंक बहुत अच्छी चीज है जिसके लिए कि हम यूज करते हैं ज्यादातर। अब आप यहाँ पे देखिए गाइस मैं इधर से डेटा कॉपी कर रही हूँ, ओके। आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कॉपी करने का। और गाइस यहाँ पे कर्सर रखा मैंने और मैं यहाँ पे इसे लिंक कर रही हूँ, ओके। तो इधर पेस्ट में जाएंगे गाइस और पेस्ट में जाकर यहाँ पर पेस्ट लिंक कर देंगे, ठीक है ना। ये डेटा पेस्ट लिंक हो गया। अब कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, सेम ही तो है गाइस, ये सेम नहीं हुआ है, ये डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इधर देखिए गाइस, यहाँ पे जब हमने डेटा कॉपी इधर पेस्ट किया तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई, लेकिन जब मैंने इधर पेस्ट किया है डेटा तो देखिए गाइस ऊपर वाले सेल का रेफरेंस पेस्ट हुआ है, देखिए लिंक हुआ है डेटा। अब यानी कि ये जो वैल्यू है ये किस सेल में लिखी हुई है, D4 में लिखी हुई है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करती हूँ गाइस, आप इधर देख लीजिए, मैं पहले आपको यहाँ पे देखिए गाइस इंग्लिश में इधर मार्क्स कितने गाइस 85 है, अगर मैं इधर करती हूँ 90, ओके 90 कर दिया। तो गाइस आप ऊपर जाइए जरा और देखिए ऊपर वाले डेटा में आपका क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। सॉरी गाइस इसमें नहीं चेंजेस करने थे, हमें मेन सोर्स डेटा में चेंज करने हैं, ये तो हमारा डेस्टिनेशन डेटा है, हमें इधर चेंज करने हैं गाइस। यहाँ पे देखिए मैथ्स में जाकर, मैथ्स में मैंने इसमें कर दिया 45, तो आप नीचे देखिए डेटा में गाइस वहाँ पे 45 हो गए, मैथ्स में देखिए यहाँ पर 45 हो गए, ओके। तो जो भी आप चेंज यहाँ पे करेंगे इस डेटा में, ये लिंक हो गया है। तो ये लिंक डेटा किस पे कनेक्ट होगा, ये आपका नीचे सोर्स डेटा पे चेंजेस करता, डेस्टिनेशन डेटा पे चेंज करता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने यूज किया कि मैंने यहाँ पे 74 आ रहा है, अब मैंने इधर क्लिक कर दिया, मैंने इधर 80 कर दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये देखो नाम किसका है गाइस, यहाँ पर ये पूजा का नाम है और पूजा का मैथ्स में नंबर हुए है 80, तो पूजा के मैथ्स में नंबर देखिए गाइस, ये पूजा का रिकॉर्ड है और इसके मैथ्स में नंबर यहाँ पर चेंज हुए हैं, देखिए गाइस 80 हो गए, ठीक है ना। 85 ये इस टाइप से इसमें क्या करेगा, ये देखिए ये चेंज हो गए। तो इस टाइप से ये हम इधर चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे पूजा के नहीं होते गाइस, इससे हमने कभी इसके पूजा के किए थे तो ये उधर 80 हो गए और नीचे भी 80 हो गए। तो इस टाइप से क्या होता है, ये लिंक होता है गाइस, हम इसे लिंक भी कर सकते हैं। तो ये लिंक होता है, जब भी मैं इसमें कुछ भी अपने इस डेटा में चेंजेस करूंगी, ये सेम चेंजेस मेरे लिंक वाले डेटा में चेंज हो जाएंगे जो मैंने पेस्ट लिंक किया था, ओके गाइस। तो ये हमारा कुछ पेस्ट होते हैं, इस टाइप से हम पेस्ट कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मल करने के लिए तो सिंपल है कि आप इसे सिलेक्शन करिए और कॉपी कर लीजिए, ओके कंट्रोल सी फॉर कॉपी, ओके और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ये पेस्ट कर सकते हैं आप कंट्रोल वी के थ्रू, ये पेस्ट हो गया, इसमें सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाता है, सारा कुछ यूज हो जाता है, ओके गाइस। और ऐसे ही गाइस इसके अंदर हमारे पास कट ऑप्शन भी होता है, कट में क्या होता है गाइस कि जैसे मेरा ये फर्स्ट डेटा है, इस डेटा को यहाँ से मुझे कट करना है, तो हम क्या करेंगे पहले सिलेक्शन कर लेंगे, ओके हमने क्या डेटा मुझे यहाँ से कट करना है, तो हमने इसे क्या करा सिलेक्शन बना लिया लाइक दिस टाइप,
और इसे कट कर दिया, कंट्रोल एक्स फॉर कट। इधर से कट होता है गाइस, हम इसे कंट्रोल एक्स करके कट कर देते हैं और कर्सर रख के इधर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो देखिए गाइस, फर्स्ट प्लेस आपका डेटा कट हो गया और सेकंड प्लेस पे यूज हो गया। तो ये होता है हमारा कॉपी पेस्ट, इस तरह से हमारा कट हो गया और पेस्ट हो जाता है गाइस। ओके, अब देन नेक्स्ट है गाइस इसमें फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है गाइस, अगर आप यहाँ पे अपना डेटा चेक करें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग आ रही है गाइस। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो गाइस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए या कोई इंडिकेशन दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। चलिए गाइस देखिए, देन नेक्स्ट इसमें पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है गाइस फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, मैंने पहले नीचे कुछ डेटा कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेटिंग नहीं आई यहाँ पर। ओके, मैंने डेटा बना लिया, मैं चाहती हूँ मेरे को वो फॉर्मेटिंग सेम एज फॉर्मेटिंग चाहिए। अभी हमने यहाँ पर भी डेटा कॉपी पेस्ट किया था गाइस, तो फॉर्मेटिंग यूज हो गई थी हमारी, ठीक है ना, जस्ट हमने फॉर्मेटिंग कॉपी की थी। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग चल रही है मेरी सेम एज ये फॉर्मेटिंग, मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग इस डेटा पे भी अप्लाई करनी है, तो हमारे पास एक पॉइंट और होता है, या फिर ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है मुझे सेम, तो इसे सिलेक्ट करेंगे गाइस और इसे फॉर्मेट प्रिंटर यूज करेंगे क्लिक। और आप किस एरिया पे यूज करना चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग, उधर क्लिक करके छोड़ देंगे गाइस। देखिए हो गई, या फिर हमने इसे दोबारा कर रहे हैं, फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक किया और आप यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। देखिए ड्रैग कर लीजिए कहाँ तक यूज करना है, सेम वो फॉर्मेटिंग उस डेटा तक यूज हो जाएगी। जैसे कि फॉर्मेटिंग आपने बना रखी है गाइस, सेम एज वैसी ही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है गाइस फॉर्मेट प्रिंटर। अभी हमारा क्लिपबोर्ड का जो पॉइंट था ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने काफी सारे पेस्ट सीखे, पेस्ट स्पेशल के थ्रू ये सारे पेस्ट लिखे हुए गाइस, जो भी आपको नोट करना हो। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें यूज हो गई हैं, तो मैं डेटा अपना थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरी शीट पे लेके जा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ओके, तो हमने इसे थोड़ा डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया लाइक अ कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको ले जा रहे हैं दूसरी शीट पे। अगर गाइस आपको इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है ना, तो आप यहाँ पे जाइए और क्लियर फॉर्मेट्स कर दीजिए, सारे फॉर्मेट्स हट जाएंगे। ओके, देखिए फॉर्मेटिंग हट गई ना गाइस, और इसमें कमेंट्स आ रहे हैं अभी। अगर कमेंट्स भी हटाने, तो एक साथ आप यहाँ से जाइए और यहाँ से क्लियर कमेंट्स कर दीजिए। देखिए गाइस कमेंट्स भी हट जाएंगे, तो एक साथ कमेंट हटाने के लिए होता है। बहुत सारा डेटा है, तो हमें कुछ सारे डेटा से एक साथ कुछ वर्क हटाना है,
तो हम इसे हटा सकते हैं। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट है गाइज, इसमें हमारे पास स्टाइल, यहाँ पे ये कुछ स्टाइल्स है। इस स्टाइल में सबसे पहले गाइज यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मीन कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ गाइज मैं हमें इस पे कुछ कंडीशंस लगा लें। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा डेटा हाईलाइट होता है, कि अगर कुछ इतने नंबर से ज्यादा नंबर है तो वो डेटा हाईलाइट हो जाए, या कुछ ओके गाइज, तो हम यहाँ पे गाइज ये कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। तो अब जैसे कि मेरा डेटा ये सिलेक्शन किया मैंने गाइज, मैं नंबर नंबर चूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे कंडीशन फॉर्मेटिंग नंबर्स पर चलेगी। अब यहाँ पे जाकर गाइज इसने क्या करा, हमने यहाँ पे चूज कर लिया एरो पे टिक किया। अब ये फॉर्मेट सेल है, ओके हाईलाइट सेल है, हाईलाइट सेल फॉर रूल्स। आप सेल तो हाईलाइट करना चाहते हैं, बट किस रूल पे हाईलाइट करना चाहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, डेटा क्रॉसिंग और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैंने कहा ग्रेटर देन वैल्यू पे हाईलाइट करना है मुझे, ओके ठीक है हाईलाइट कर देगा ग्रेटर देन वैल्यू पे, बट विच ग्रेटर देन वैल्यू, आप कौन सी ग्रेटर देन वैल्यू रखना चाहते हैं। मैंने कहा 90 ग्रेटर देन, तो देखिए गाइस 19 ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट हो गई और ये हाईलाइट कलर भी दिखा रहा है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे राइट साइड में देखिए लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि लाइट रेड कलर जो है आपके टेक्स्ट फिल के अंदर जाएगा और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, डार्क रेड होगा। ओके और ओके कर देंगे तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी गाइस। देखिए यहाँ पे जो डेटा है 90 से ग्रेटर देन वाला वो सारा क्या है आपका हाईलाइटेड हो गया। ओके मैंने इसे कैंसिल कर रही हूँ, मैं नहीं यूज कर रही अभी इसे फॉर्मेटिंग को, जस्ट आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं यूज करूंगी तो फिर मुझे हटानी भी पड़ेगी, तो इसलिए अभी मैं यूज नहीं कर रही। ओके कर देंगे तो यूज हो जाएगी गाइस। ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे टॉप भी ले सकते हैं ऐसे गाइज, इसके अंदर ये सारी फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से ऐसे कोई सी भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हैं गाइज, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू देखिएगा इस जितनी भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो सारी हाईलाइट हो गई, ये सारी इसमें रिपीटेड वैल्यू है, जो रिपीटेड नहीं थी वो हाईलाइट नहीं हुई। तो इस टाइप से आप डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हैं गाइज। आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं, क्या आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर ले सकते हैं, क्या आप येलो कलर लेना चाहते हैं, ग्रीन कलर, लाइट रेड, समथिंग, आप अपनी फॉर्मेटिंग बना भी सकते हैं। यहाँ पे जाइए और अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर वगैरह यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कि मैं हम अपनी फॉर्मेटिंग नहीं लेना वो वाली फॉर्मेटिंग, तो हम अपनी कलर फॉर्मेटिंग बना भी सकते हैं। यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हैं, साइज ले सकते हैं, फॉन्ट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज करके अपनी फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से ये चेंज कर दी। अब ऐसे इसमें दूसरा होता है गाइस टॉप और बॉटम, अब यहाँ से इसमें टॉप और बॉटम के लिए ले लेगा कि मैंने क्या टॉप 10 आइटम मुझे हाईलाइट करने हैं, ठीक है टॉप 10 आइटम हाईलाइट हो जाएंगे 10 की जगह, मैंने क्या 10 नहीं करने मुझे कम करने हैं, तो इधर कम कर दीजिए। देखिए गाइस इधर टोटल वाला सेल मेरा सिलेक्टेड है, तो टोटल में हाईएस्ट वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है इसलिए वो हाईएस्ट वैल्यू को ही ले रहा है। देखिए टू टॉप वो आइटम हाईलाइट हो गए, 3 कर देंगे तो 3 हो जाएंगे गाइस, यहाँ पर 4 करेंगे 4 हो जाएंगे, तो जैसे आप सब वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चूज होते चले जाएंगे। ओके और ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा। गाइज मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है चेंज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ टोटल के ही अकॉर्डिंग ले रहा है सारा कुछ ये, क्योंकि टोटल में हाईएस्ट वैल्यू है इसलिए। तो अब हम यहाँ पे गाइज जा रहे हैं अगेन फॉर्मेटिंग में, तो ये तो गाइज टॉप रूल्स थे कि टॉप लेना है, बॉटम लेना है तो गाइज बॉटम भी चूज कर सकते हो, परसेंटेज में भी लेना है, अबव एवरेज में क्या किसी पर्टिकुलर एवरेज के अकॉर्डिंग, ये देखिए एवरेज वैल्यू है, अप से एवरेज वैल्यू है, जो हाईएस्ट एवरेज वैल्यू है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। और अगर उसमें लेंगे ब्लो लेंगे तो गाइस बॉटम वाली आ जाएंगी। ओके तो ये सारी फॉर्मेटिंग है इस टाइप से। ये डेटा बार है गाइस, ये डेटा बार आप किस गाइस ये वैल्यू के अकॉर्डिंग लगता है कि किस सेल में कितनी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर रहा है, डेटा बार सेल के अंदर हाईलाइट कर रहा है। और इसमें इसने क्या किया है गाइस, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू को टारगेट किया है। इस डेटा में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है गाइस, 96 है। ओके तो 96 के अकॉर्डिंग ही ये क्या कर रहा है अपना बार बना,
आपने क्या करा था, डेटा पे बार लगा दिए थे, तो जिस सेल में आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसी वैल्यू को क्या करेगा, ये टारगेट करेगा गाइस, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी सेल के अंदर आपकी वैल्यू फिल कराएगा। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हैं गाइस, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, समथिंग एल्स, जो भी कलर आपको लेना है, कोई फिक्स सॉलिड कलर लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू उसी क्रिएट करेगा हाईएस्ट वैल्यू को। अब उसने टारगेट हाईएस्ट वैल्यू 96 की है, तो 96 के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है, बार बना रहा है। अगर मैं टोटल चूज कर लेती गाइज, तो टोटल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट वैल्यू लेकर उसके अकॉर्डिंग बार क्रिएट करता। ओके गाइज, यहाँ पर ये कुछ कलर्स हैं, इस कलर्स को भी ये यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, आ रहा है ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे रेड ग्रीन और येलो कलर आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं ले रहा, ये इसकी कंडीशंस बनी हुई है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ले रहा है गाइस। इसके अंदर कंडीशंस हम अपनी भी बना सकते हैं कि मैं अपनी बना लूं कंडीशंस, तो मैं इधर कंडीशंस शो हो जाएंगी मेरी। ओके, तो देखिए गाइस, तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो गाइस हाईएस्ट वैल्यू के लिए इंडिकेट कर रहा है, देखिए। ओके, और रेड कलर जो है लोएस्ट वैल्यू के लिए इंडिकेट कर रहा है, और येलो कलर जो है गाइस आपका वो किसे कर रहा है, मिडिल वैल्यू के लिए ही इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से ऐसे ही अगर आप दूसरा कलर लेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा गाइस, उल्टा कर दिया, जो रेड कलर है वो क्या कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू के लिए यूज हो रहा है, और ग्रीन कलर लोएस्ट वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया इसने गाइस, और यहाँ भी देखिए गाइस, ये सब अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग है, इसमें एक ही कलर यूज हो रहा है गाइस, जो हाईएस्ट जो लोएस्ट वैल्यू है वो डार्क रेड कलर से शो हो रही है, और जैसे ही वैल्यू हाईएस्ट जा रही है वो क्या कर रहा है, वैल्यू को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइस, इसमें यहाँ पे अगर आप आइकन्स लेंगे तो गाइस यहाँ से आइकन्स भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए गाइस, ये आइकन्स हैं, अलग अलग टाइप के आइकन्स, आप यहाँ से आइकन्स भी यूज कर सकते हैं कि आपको कैसा आइकन लगाना है, यहाँ पे आइकन्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शेप्स लगाई आइकन की, मैंने ये वाली शेप्स लेनी है, तो देखो गाइस यहाँ पे ये लग गई है शेप्स। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें भी सेम कलर दिखा रहा है गाइस, कि रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। ओके, इसमें भी दिखा रहा है कि ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू जो है आपकी ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रही है, और लोएस्ट वैल्यू आपकी रेड कलर से हाईलाइट हो रही है, और ये मिडिल जो वैल्यू है वो येलो कलर से हाईलाइट हो रही है। बट विच हाईएस्ट वैल्यू कंडीशंस, विच लोएस्ट वैल्यू कंडीशंस, ओके, कि किस हाईएस्ट वैल्यू को ये ले रहा है और किस लोएस्ट वैल्यू को ले रहा है। हाईएस्ट तो ठीक है, यहाँ पे 85 भी ले लिया इसने, 96 भी हाईएस्ट ले लिया, और यहाँ पे 80 भी हाईएस्ट ले रहा है, बट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो इसके अगर आपको गाइज रूल्स देखने हैं कि मुझे इसके रूल्स चेक करने हैं, तो आप इधर जाइए इसके अंदर ही, और यहाँ पे देखिए गाइज बॉटम में आ जाइए मोर रूल्स के अंदर। अब मोर रूल्स में यहाँ पे देखिए गाइज, इसने रूल्स दिखा दिए, आइकन सेट में इसने दिखा दिया तीन कलर आइकन्स क्या आ रहे हैं, इसके अंदर और भी कलर्स हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फर्स्टली लगा हुआ है, तो आइकन्स पे इसने दिखाई कंडीशन, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल 67, अगर कोई भी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल 67 होती है तो वो किससे हाईलाइट करेगा, ग्रीन कलर से। ओके, देन इसमें फिर नीचे आया, नीचे इसने कंडीशन चेंज की, व्हेन वैल्यू लेस देन 67 और ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर कोई भी वैल्यू आपकी 67 से लेस देन होती है और 33 से ग्रेटर देन होती है तो वो येलो कलर से हाईलाइट होगी, और जो भी वैल्यू आपकी 33 से डाउन होती है वो जाएगी रेड कलर में। गाइज, आप यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, कंडीशंस भी बना सकते हैं अपनी, कि मैंने यहाँ 80 कर दिया और यहाँ पे मैंने 60 कर दिया। ओके, तो ये उसी वैल्यू को क्या करेगा गाइज, ऐड करा लेगा और उसी वैल्यू को ले लेगा, उसी कंडीशंस को ले लेगा गाइज। ये देखिए गाइज, और ओके कर देंगे, आपकी कंडीशन यहाँ पे गाइज चेंज हो गई, देखिए गाइज। ओके, तो इस टाइप से हम अपनी कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं, तो ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, आप इस यूज कर सकते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे हमने कंडीशंस लगाई थी, ये आइकन्स लग गए हैं, अगर आप चाहते हैं ये आइकन्स मुझे नहीं यूज करने हटाने हैं, तो आप यहाँ से क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल में जाइए गाइज, और यहाँ से जो आपके रूल्स हैं ये सब हटा दीजिए यहाँ से, तो ये सब हट जाएंगे। ये तो गाइज फिक्स चीजें थी कि आपने फिक्सली यहाँ पे लगा दी, अगर आपको अपना न्यू रूल्स क्रिएट करना है तो आप न्यू रूल्स भी बना सकते हैं गाइज। आप न्यू रूल्स में जाइए, और यहाँ पे जाके इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आप यहाँ पे जाइए डिटरमाइंस पे,
आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया तो ये सेल सिलेक्टेड है, या मैं कुछ दूसरी सेल पे भी कर्सर रख के बना सकती हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई, जस्ट ऐसी लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई सी भी कंडीशंस। मैं इधर सिलेक्टेड सेल पे नहीं लगा रही गाइस, यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि ये इधर वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम करे या फिर ना करे। तो हम इधर से न्यू रूल्स बना रहे हैं, इसके न्यू रूल्स देखिए गाइस, यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी। और की कंडीशन लगा दी गाइस मैंने, एक इक्वल और लगा दिया मैंने, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने इस पे लगा के ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू दिस सेल 50 ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू आपकी 50 ग्रेटर देन, चलिए गाइस यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन 80, ठीक है ना। अगर इस सेल में कोई भी वैल्यू आपकी इक्वल होती है 80 के, 85 के, तो उसका जो फॉर्मेट है गाइस यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, उसका कलर मेरे यहाँ पे हो जाए ये वाला। फॉर्मेटिंग आप कुछ भी लगा सकते हो, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया और ओके करके यहाँ पर यूज कर दिया। अब इस सेल में आप कोई भी वैल्यू इक्वल लगाते हैं तो देखिए गाइस वैसे ही कलर हो गया, यूज हो गया गाइस, ये वैसे ही कलर चेंज कर देगा। तो ऐसे आप अपने कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ फॉर्मूला बना भी सकते हैं यहाँ पर, तो हम अपना रूल कंटेन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हम नहीं कर सकते हैं, और कमांड लगा के भी और लिखकर भी हम उसके अंदर क्या कर सकते थे, और भी वैल्यूज लगा सकते थे। तो यहाँ पे ये लगा दिया, अगर इससे कम वैल्यू होगी तो गाइज ये नहीं लेगा ये, ठीक है ना, तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को कंटेन करेगा यहाँ पे। तो अगर इसे हटाना है गाइज तो हम वापस इधर ही जाएंगे और इसके रूल्स को क्या करेंगे गाइज यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो ये क्लियर फॉर सिलेक्टेड सेल, तो क्लियर कर दिया उसने सिलेक्टेड सेल से रूल, तो इस टाइप से क्या करेगा सिलेक्टेड सेल से हटा देगा। नेक्स्ट गाइज इसमें टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट के अंदर क्या होता है गाइज, ये जो टेबल है अभी आपका डेटा देख रहे हैं आप गाइज, ये नॉर्मल डेटा है, मैं चाहती हूँ इस डेटा के ऊपर मेरा टेबल लग जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे गाइज, ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं गाइज, कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं आप, लाइट डार्क मीडियम ये कोई सा फॉर्मेट ले लीजिए। मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया और ओके कर दिया गाइज, ये फॉर्मेट चेंज हो गया, देखिए गाइज ये टेबल फॉर्मेट पे आ गया डेटा आपका। ऊपर ये गाइज फिल्टर टैग लग गए, इसका यूज मैं अभी बताऊंगी, आ गया आपको होम के अंदर आगे है, और यहाँ पे गाइज देखिए सारे फॉर्मेट चेंज हो गया। ओके अब इसके अंदर क्या होता है गाइज, इसमें यहाँ पे जो टेबल फॉर्मेट है ये फिल्टर्स हैं, इसे डेटा फिल्टर करने के लिए यूज होता है। कोई भी वैल्यू मेरे इंग्लिश के अंदर मैं फिल्टर चला रही हूँ, अगर मैं हटाना चाहती हूँ, मैंने सारे सिलेक्टेड सेल हटा दिए, अब मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ जो शो करनी है वैल्यू, मुझे यहाँ पे शो करनी है 54 वाली और 85 वाली वैल्यू, तो देखिए गाइस सिर्फ वो ही वैल्यू शो होगी और एक्स्ट्रा वैल्यू हट जाएंगी। ओके यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, लेकिन फिल्टर ने अपना काम किया है, वो वैल्यूज को हाइड कर दिया। अगर आप दोबारा शो कर देंगे तो गाइस यहाँ पे दोबारा शो हो जाएंगी। ओके तो इस टाइप से ये कुछ टैब बन गए हैं, उस टैब के अंदर से जिस भी टैब की वैल्यू आपको यूज करनी है उसे टिक लगाइए, जो नहीं चाहिए उसे हटा दीजिए। गाइज ये ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे यूज हो गया। हेडर रो आपको यूज करनी है, तो ये देखिए हेडर रो यूज थी, हटा दी मैंने तो हट गई हेडर रो, यूज करनी है टोटल रो आपको यूज करनी है, तो देखिए गाइज बॉटम में इसमें टोटल रो आ गई, नहीं यूज करनी हटा दीजिए। ये जो बैंडेड रो आ रहे हैं, ये देखिए एक कॉलम डार्क, एक रो डार्क, एक रो लाइट आ रही है, एक डार्क एक लाइट आ रही है, अगर इस आप इसे भी हटाना चाहते तो आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए गाइज सारे हट गए, सिर्फ हेडिंग आपकी डार्क आ रही है, फिर नहीं आ रही। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो गाइज देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, बोल्डेड हो गया, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अगर इसमें लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम भी हो गया, कॉलम बैंडेड करना है तो कॉलम भी बैंडेड होगा। ओके तो ये हटाना है तो आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं गाइज, ये हट जाएंगे। ओके तो इस टाइप से अपने डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएंगे, सारे अलग अलग फॉर्मेट है, चेंज भी कर सकते हैं, ये वैसा चेंज भी हो जाएगा अगर ये आपको हटाना है गाइज। मैंने कहा ये टेबल फॉर्मेट मुझे नहीं यूज करनी, हटाना है तो आप इसे सिलेक्शन कर लीजिए गाइज। ओके सिलेक्शन करने के बाद गाइज आप इसे क्या करिए, यहाँ जाइए क्लियर कर दीजिए गाइज, ये क्लियर हो गई फॉर्मेटिंग गाइज। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर देखिए फिल्टर टैग नहीं हटे हैं, ये देख रहे गाइज आपके फिल्टर टैग, तो ये फिल्टर टैग नहीं हटे हैं। अगर ये फिल्टर टैग आपको हटाने हैं तो इसे कन्वर्ट टू रेंज करना पड़ता है गाइज, ये कन्वर्ट टू रेंज करके ओके कर दीजिए, ये आपकी रेंज कन्वर्ट हो गई। देखिए गाइज हट गए फिल्टर टैग सारे, यानी कि अब प्रॉपर इसके से फॉर्मेटिंग सारी हट गई है। ओके
चलिए गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर स्टाइल के अंदर, ये कुछ स्टाइल और होते हैं, हम ये भी स्टाइल कर सकते हैं गाइस। जैसे कि इसमें ऑलरेडी बने हुए स्टाइल है, इसमें मुझे कुछ चूज नहीं करना है, तो आप यहाँ से क्या करिए गाइस, इसे ले सकते हैं यहाँ से कि मैंने यहाँ पे कोई कलर फॉर्मेटिंग बनानी है। वैसे तो हम अलग अलग करके क्या कर रहे थे, कलर फॉर्मेटिंग बना रहे थे, लेकिन अगर आप इधर से यूज करते हैं कि मेरे को यहाँ पे ये वाली कलर फॉर्मेटिंग यूज करनी है, तो गाइस आप यहाँ पे इधर से चेंज भी कर सकते हैं। ओके तो देखो गाइस अब यहाँ पे एक स्टाइल है, जैसे कि मुझे ये वाला कलर लेना है, तो देखो इसमें कलर फिल कलर फोन कलर दोनों ही यूज है, यहाँ पे ये वाला ले सकते हैं, इधर से ये वाला ले सकते हैं। ओके गाइस इसमें और भी स्टाइल है गाइस, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये लीजिए, इसमें और भी स्टाइल है, ये भी ले सकते हैं। देखिए गाइस ये रहे सारे, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप जैसा मर्जी लेंगे ये वैसा ही स्टाइल यूज हो जाएगा। ओके गाइस गाइस इसमें एक बहुत अच्छी चीज और होती है यहाँ पर कि आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ये वाला स्टाइल लूँ, अगर मेरे को अपना स्टाइल बनाना है तो हम अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। देखो गाइस यहाँ पे आप इधर जाइए, इधर जाके अपने स्टाइल का नाम टाइप कर दीजिए आप कोई भी, मैंने एक S1 डाल दिया Style 1। ओके और इसे फॉर्मेट में गए गाइस, और यहाँ पे फॉर्मेट में आप क्या क्या लेना चाहते हैं, जर्नल में नंबर फॉर्मेट भी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना, अलाइनमेंट भी ले सकते हैं, फॉन्ट भी ले सकते हैं आप गाइस इसमें, बॉर्डर वगैरह भी ले सकते हैं, फिल भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें गाइस आप जो इसमें चूज करना चाहें। मैं फॉन्ट से यूज कर रही हूँ गाइस, आप लोग ले लेना इसमें बॉर्डर वगैरह, जस्ट आप फॉर्मेटिंग चेंज कर रही हूँ सिर्फ। ओके तो मैंने साइज ले लिया 14 का, कलर इसमें ले लिया मैंने ग्रीन, ये वाला कलर ले लिया। ओके और अगर फिल कलर लेना है गाइस तो आप फिल कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पे जाइए फिल में, और फिल कलर मैंने ले लिया ये वाला। ओके या हम रेड ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया। ओके गाइस और इसे ओके कर दिया, तो देखिए गाइस ये मेरी फॉर्मेटिंग बन गई है। ओके और ये देखिए S1 आ गई, अब मैं क्लिक करूंगी तो मेरी S1 फॉर्मेटिंग आ गई। ओके आप एक चीज ध्यान दीजिए गाइस, ये जो मैंने फॉर्मेटिंग बनाई है या ये जो फॉर्मेट होते हैं सारे, ये हमारे सभी फाइल्स के साथ चलते हैं। अगर मैं कोई न्यू फाइल लेती हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए ये यहाँ भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और मेरी वाली फाइल में भी आ रहे हैं। देखिए गाइस ये मेरी जो फाइल है इसमें भी आ रहे हैं, यानी कि ये वाली जो नीचे वाले फॉर्मेट है ये दोनों फाइलों में आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा बना हुआ फॉर्मेट है वो सिर्फ मेरी फाइल में आएगा, इसमें नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ मेरा जो ये स्टाइल जो बनाया है मैंने, ये जो स्टाइल बनाया है S1, ये मेरे को दोनों फाइलों में चाहिए, इसमें भी लेना है और उसमें भी चाहिए, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, स्टाइल को मर्ज करना पड़ता है। तो पहले जिस फाइल में आपने ये स्टाइल बनाया है उस फाइल में जाइए और यहाँ पे जाइए मर्ज स्टाइल, ठीक है, मर्ज कर देगा, लेकिन दो फाइल खुली होनी चाहिए गाइस। तो ये मेरी फाइल खुली हुई है बुक, क्योंकि इस फाइल का मेरा नाम 13 अप्रैल है, तो इसे हमने क्लिक कर दिया। ओके गाइस ये मर्ज हो गई, अब जो आपकी नेक्स्ट फाइल खुली हुई है ये वाली बुक 1, इसमें जाइए गाइस और इसमें भी मर्ज करवा लीजिए। तो इसमें भी हमने मर्ज स्टाइल कर लिया, कौन सा स्टाइल मर्ज करना है, ये 13 अप्रैल की फाइल का। ओके तो देखिए गाइस ये यहाँ पे आ गया स्टाइल S1। ओके S1 आ गया, तो इस टाइप से अगर हम कोई अपना स्टाइल बनाते हैं और वो हमारे स्टाइल से क्या होता है गाइस, एक ही फाइल में शो होता है जो हमारी मेन फाइल होती है जिसमें हमने उस स्टाइल को बनाया है। लेकिन अगर आपकी फाइल एक से ज्यादा है और आप चाहते हैं वो स्टाइल आपका उन सभी फाइलों में वर्क करे, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, उस स्टाइल को दोनों ही फाइलों में मर्ज करा दीजिए। पहली फाइल जो आपकी मेन फाइल है उसे सिलेक्ट करिए जिसमें आपने स्टाइल बनाया है और उसमें मर्ज कर दीजिए, फिर दूसरी जो फाइल है आपकी उसमें भी मर्ज कर लीजिए। तो इस टाइप से क्या होता है गाइस, आपका सेम स्टाइल दोनों फाइलों में वर्क करेगा। अब ये वाला जो स्टाइल आपका S1 है, ये आपकी फाइल 13 अप्रैल फाइल में भी काम करेगा और बुक 1 में भी काम करेगा। ओके तो गाइस आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। गाइस आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं